वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकिब इन्फो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग NSP स्कॉलरशिप पर बात करने वाले। तो NSP स्कॉलरशिप पर अभी जो बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम की जो अभी स्कीम ओपन अभी जो आई है NSP स्कॉलरशिप पर, पिछले दो साल से अभी बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम और NSP स्कॉलरशिप स्कीम, ये पहले अलग अलग अप्लाई होते थे। बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम उसकी अलग एक वेबसाइट थी, उस पर अप्लाई हो रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर NSP स्कॉलरशिप पर ही वो अप्लाई हो रही है। तो उसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करूँगा कि बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम को कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगते हैं, अमाउंट क्या क्या रिसीव होती है आपको, और कैसे कैसे इसके फॉर्म को आपको फिल करना है, तो उसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करने वाले हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं NSP स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यहाँ पर देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम में यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ तरीके से लिख कर आ रहा है बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम। तो बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, तो सबसे पहले वो गर्ल्स इसमें एलिजिबल होते हैं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ओनली फॉर गर्ल्स ही स्कॉलरशिप स्कीम एलिजिबल होते हैं, सिर्फ गर्ल्स ही एलिजिबल होते हैं और वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अभी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन कौन होते हैं, जैसे कि मुस्लिम हो गए, उसके बाद सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, पारसिस्ट हो गए, तो ये जो भी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले गर्ल्स ही इसमें एलिजिबल होते हैं। और क्लास की अगर बात करें तो 9th क्लास से लेकर 12th तक के स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 9th से लेकर 12th तक के गर्ल्स स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, तो सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड लगता है, इनकम सर्टिफिकेट लगता है, प्रीवियस की मार्कशीट लगती है, और फोटोग्राफ लगता है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगता है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट एंड आपका है डोमोसाइल सर्टिफिकेट, ये तीन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप जल्दी से जाकर उसको बना लीजिए, क्योंकि अभी तक इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो इसकी डेट स्टार्ट होने से पहले ही आप है वो इसके स्कॉलरशिप के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बना लीजिए। तो बनाने के बाद कैसा होगा कि आपको ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जब फॉर्म ओपन होगा तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और मस्ट एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो उसमें क्या है कि आपके बैंक अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड के साथ लिंक कर अगर ले लीजिए, क्योंकि बैंक अकाउंट अगर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होगा तो उसमें कैसे अभी NSP स्कॉलरशिप का DBT के थ्रू पेमेंट है वो भेज रही है। तो DBT के थ्रू जाने की वजह से कैसा होता है कि जिसका भी जिसका आधार कार्ड के साथ ये लिंक होता है बैंक अकाउंट, तो उसके ही बैंक अकाउंट में पेमेंट है वो रिसीव होती है, अदरवाइज आपके बैंक अकाउंट में नहीं आती है। इसलिए आप बैंक अकाउंट जाइए और वहाँ पर आपका आधार कार्ड और आपका जो भी पासबुक है वो लिंक करा कर ले लीजिए। आपके पास जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए, इनकम सर्टिफिकेट, डोमोसाइल सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट और आपका बैंक अकाउंट है वो लिंक करा कर ले लीजिए, और बाकी ये सर्टिफिकेट है वो सब आप बनाकर रख लीजिए। आप जब स्टार्ट होगी तब मैं आपको इसके ऊपर दूसरी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसा आपको अप्लाई करना है इसके ऊपर। और फिर उसके बाद इसके फैमिली के एनुअल इनकम की अगर हम बात करूँ तो आपके फैमिली के एनुअल इनकम 1.5 लाख से कम होनी चाहिए तब स्कॉलरशिप स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। 1.5 लाख से कम होगी तब स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और आपके प्रीवियस क्लास में जो आपके प्रीवियस जो क्लास होंगी पिछली क्लास है उसमें 50% से अबो आपके परसेंटेज होने चाहिए, 50% से अबो आपके परसेंटेज अगर होंगे तो ही स्कॉलरशिप स्कीम को आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो पेमेंट मिलेगी, तो पेमेंट के बारे में बात करूँगा तो 9th और 10th के जो स्टूडेंट को पेमेंट मिलेंगी गर्ल्स स्टूडेंट को वो 5,000 मिलेंगी पर ईयर, 5,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे पर ईयर। और फिर उसके बाद 9th से 10th की बात कर ली मैंने, पर ईयर 5,000 रुपीज़ मिलेंगे। और 11th और 12th के जो स्टूडेंट रहेंगे गर्ल्स स्टूडेंट उनको 6,000 रुपीज़ पर ईयर है वो रिसीव होंगे। तो ये इस तरीके से कुछ स्कॉलरशिप स्कीम का मैंने पूरा आपको रख दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन एलिजिबल होता है, कितने कितने पेमेंट मिलेंगी, क्या क्या फैमिली की इनकम वगैरह होती है, ये सब आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो इस स्कॉलरशिप स्कीम को अगर आपको अप्लाई करना है तो अभी तो इस स्कॉलरशिप स्कीम की डेट तो है वो क्लोज़ हो चुकी है, क्लोज़ है,
कि अभी 2023-24 का भी फॉर्म नया ओपन होगा, तो इस स्कॉलरशिप स्कीम को कैसा अप्लाई करना वगैरह है वो सब आपको इस वीडियोस के नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा कि कैसा अप्लाई करना है। तो अभी जैसे ही ये स्कॉलरशिप ओपन हो जाएंगी, तो ओपन होने के बाद मैं उसमें हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो आपको पूरा प्रोसीजर के साथ एक डेडिकेटेड वीडियो देने वाला हो। और मैंने प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हुए, जैसे कि अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई कर सकते, फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट रहेंगे तो वो कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम वाले कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट से लेकर टेंथ तक के स्टूडेंट रहेंगे तो वो किस स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, NMS स्कॉलरशिप स्कीम वाले रहेंगे तो वो कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, CSS स्कॉलरशिप स्कीम में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, BD वर्कर, साइन वर्कर, IS वर्कर, LSDM वर्कर, अगर आपको फादर मदर गार्जियंस होंगे तो वो किस स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, वो पूरा आपको डेडिकेटेड वीडियो दिए हुए, तो आप जाकर देखिए वहाँ पर। और देखने के बाद फिर अगर आप उसमें एलिजिबल होते हैं तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करा कर रख लीजिए। उसके लिंक्स मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, पूरे मैंने वीडियोस जो बनाए हुए वो, और आप चैनल भी जाकर चेक कर लीजिए और वो पूरे वीडियोस को वॉच कीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि आप किस में एलिजिबल होते हैं। जिसमें आप एलिजिबल होते हैं उसके लिए आप रेडी हो जाइए और उसके लिए आप 2023-24 का फॉर्म है वो भर लीजिए। ओके, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी एक नई वीडियो के साथ।